यूसीसी को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, कहा शरीयत के हुक्म से ही चलेंगे मुसलमान, जो कुरान के बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहते वो छोड़े इस्लाम। हसन ने कहा है कि हमें कुरान पर पूरा यकीन, कुरान की हिदायत के खिलाफ कुछ भी नहीं स्वीकार, चाहे जितने बिल आ जाएं हम वही करेंगे जो शरीयत ने दिया है हुक्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस के अंदर उभरे मतभेद, हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी के समर्थन का किया ऐलान। यूसीसी के समर्थन पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा योगदान दिया है। यूसीसी पर विक्रमादित्य सिंह के बयान पर प्रमोद तिवारी का पलटवार, कहा किसी की राय नहीं रखती मायने, ड्राफ्ट देखने के बाद ही पार्टी देगी अपनी राय। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कर रही है कोशिश, हम ऐसा फैसला लेंगे जो देश हित में होगा। यूपी के बरेली में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का किया समर्थन, आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने पीएम को खत लिखकर कहा शुक्रिया। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट, तन्वी हर्बल क्लिनिक। निदा खान ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा लटकी रहती है तीन तलाक की तलवार। यूसीसी आने से मुस्लिम महिलाओं का भविष्य भी होगा सुरक्षित। यूसीसी के विरोध के बजाय मुद्दों के आधार पर फैसला लेगी कांग्रेस, बीजेपी को सियासी फायदे से रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड से बचेगी कांग्रेस। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सावधानी से कदम उठाएगी कांग्रेस, बैठक में नेताओं ने सोनिया से कहा यूसीसी पर हमारा स्टैंड होना चाहिए क्लियर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस नेताओं ने बैठक की, बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा ड्राफ्ट आएगा तब करेंगे चर्चा, हम अपने स्टैंड पर कायम। अपना दल के संस्थापक सुनीलाल पटेल की जयंती पर आज एनडीए का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल एस का होगा कार्यक्रम। अपना दल एस के कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपना दल कमेरा वादी भी आज सुनीलाल पटेल की मनाएगा जयंती, लखनऊ के लोहिया सभागार में होगा कार्यक्रम, अखिलेश यादव कार्यक्रम के होंगे मुख्य अतिथि। तेलंगाना के खम्भम में आज राहुल गांधी की रैली के जरिए दिसंबर 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जिनकी खुद की गारंटी नहीं उनसे जनता को रहना है सावधान। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेता यहां पर आते हैं मुफ्त में चीजें देने का वादा करते हैं और फिर सुविधाओं को महंगा कर देते हैं। पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर पीएम का निशाना, कहा जो पहले पानी पीकर एक दूसरे को कोसते थे वो आज एक हो रहे। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए स्कीम चुराने का आरोप, कहा हमारी नकल कर बीजेपी ने भी गारंटी देने की शुरुआत की लेकिन लोगों को भरोसा सिर्फ केजरीवाल की गारंटी पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रैली करेंगे, वहीं सीएम भूपेश बघेल भी पाटन में करेंगे विशाल जनसभा। फ्रांस के मोंटेपेलियर में प्रदर्शनकारियों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगा दी आग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फ्रांस के मार्सले में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प, हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। मार्सले में उपद्रवियों ने मचाया तांडव, दंगे की आग में जल रहा है पूरा शहर। फ्रांस में हालात को कंट्रोल करने के लिए 45,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने दी जानकारी। मार्सले में उपद्रवियों ने कई दुकानों को लूटा, बुटीक से सामान चुराते नजर आए प्रदर्शनकारी। पेरिस में दंगाइयों ने ईंधन से भरे ट्रक को चुरा लिया, पूरे फ्रांस में आगजनी के साथ साथ हो रही है लूटपाट। पेरिस के चैम से एलिसीज के पास भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, प्रदर्शन में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं। फ्रांस हिंसा में अब तक करीब 1300 प्रदर्शनकारियों को किया गया गिरफ्तार। हिंसा को देखते हुए फ्रांस सरकार ने रात में बस और ट्राम सेवा बंद कर दी है, सरकारी सेवा के लिए बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांस हिंसा के बीच मैक्रो का जर्मनी दौरा रद्द, हिंसा की वजह से दौरा किया गया रद्द, पिछले 5 दिन से हिंसा की आग में जल रहा है फ्रांस। दिल्ली के भजनपुरा में सड़क पर बने मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई जारी, भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। सड़क बनाने के लिए मंदिर और मजार को बुलडोजर से हटाया जा रहा है, पुलिस ने बैरिकेटिंग करके आम लोगों के आगे आने पर रोक लगाई। अमरनाथ यात्रा का फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले गैंग का पर्दाफाश, जम्मू पुलिस ने दिल्ली से मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, पुलिस ने बटमालू से लश्कर आतंकी को 4 परफ्यूम आईडी के साथ गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, हाईकोर्ट ने तीस्ता को सरेंडर का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत देते हुए एक हफ्ते के अंदर रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर करने को कहा। तीस्ता को दलीलें पेश करने की भी छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर जताई हैरानी, कहा हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं, ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए। शराब को लेकर यूपी के सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। स्कूल, धार्मिक स्थल और हाईवे के पास ना खोली जाए शराब की दुकान। पहली तिमाही में यूपी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह किया। सीएम योगी ने कहा राजस्व से मिली धनराशि का जनहित में हो इस्तेमाल। इस्तीफे को लेकर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का बड़ा बयान, कहा लोगों के समर्थन की वजह से इस्तीफा वापस लिया, जनता के समर्थन से पद पर बने रहने का मिला भरोसा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान और संगठन के कामकाज पर बात हुई है। 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र का होगा आगाज। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 23 बैठकें होंगी। नए संसद भवन में चलेगा मानसून सत्र। मुंबई में आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शिवसैनिकों ने बीएमसी के खिलाफ मार्च निकाला, कहा हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले के चारों आरोपी गिरफ्तार हुए। हरियाणा के अंबाला में सरेंडर से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यूपी के कौशाम्बी में जबरन धर्मांतरण कराने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, चारों पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का आरोप लगा है। ज़ेलेंस्की ने रिवने परमाणु पावर प्लांट का किया दौरा, अधिकारियों से प्लांट की सुरक्षा पर चर्चा की। खेरसोन में रूस लगातार कर रहा है भीषण हमला, रूसी हमले में एक बच्चा समेत 5 लोग घायल। पूर्वी चीन के गुइक्सी इलाके में लगी भीषण आग, केमिकल प्लांट में आग लगने से हुआ करोड़ों का नुकसान। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का भीषण हमला, रूसी पोजिशन पर हाइमर्स से किया अटैक, यूक्रेन के हमले में एक नागरिक की मौत। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस का हमला, हेलीकॉप्टर से बनाया निशाना, हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल तबाह। खेरसोन ज़ेपोरिज़िया में रूसी फौज का एक्शन, यूक्रेन को मिले अमेरिकी रॉकेट सिस्टम तबाह, रूसी हमले में 7 हाइमर्स रॉकेट सिस्टम बर्बाद हुआ। न्यूक्लियर वॉर के खतरे को लेकर पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स ने नाटो को चेतावनी दी। एक्सपर्ट्स ने नाटो से यूक्रेन के जरिए रूस पर हमले बंद करने की अपील की। रूसी वायुसेना ने अपने घातक S-70 ओक्टोनिक को मैदान में उतारा है। रूस का यह घातक यूएवी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। अवदीपका में रूस लगातार कर रहा है भीषण अटैक, यूक्रेनी वेपन डिपो को तबाह करने के लिए रूस ने किया गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल। खेरसोन में रूस ने पिछले 24 घंटे में 108 एयर स्ट्राइक कर 88 आर्टिलरी यूनिट्स को निशाना बना दिया, हमले में 45 यूक्रेनी आर्मी मारे जाने की खबर। रूस ने डोनेस के कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। MI-35 हेलीकॉप्टर से रूसी फौज ने यूक्रेनी पोजिशन को तबाह किया। डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी फोर्स ने BM-21 ग्रैड से किया ताबड़तोड़ अटैक, हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में यूक्रेन का भीषण अटैक, हमले में रूस का T-62M टैंक तबाह हुआ। खेरसोन के ओलेस्की में यूक्रेनी ATGM के जाल में फंसा रूसी टैंक, लैंडमाइन ब्लास्ट में कई रूसी सैनिक मारे गए। साउथ डोनेस्क में यूक्रेन के 8 ठिकानों पर रूस ने किया जोरदार स्ट्राइक, शॉर्ट रेंज मिसाइलों से यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को तबाह किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, परिवार ने विरोधियों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के होटल पर छापेमारी, एसडीएम की अगुवाई में अधिकारियों ने छापेमारी। मेरठ में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के बाद एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर थाने में महिलाओं की पिटाई के मामले में बड़ा एक्शन हुआ, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। राजस्थान के शाहपुरा में त्रिवेणी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने स्कॉर्पियो सवार लोगों के साथ मारपीट की, टोल कर्मियों पर पहले भी लग चुके हैं गुंडागर्दी के आरोप। राज्य में बाइक पार्किंग के विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर तौर पर घायल। यूपी के औरैया में नगर पालिका की गौशाला में गोवंश की मौत पर हिंदू दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, अधिकारियों के समझाने पर समाप्त किया गया धरना। बिहार के भागलपुर में सावन के महीने में ट्रेन यात्रियों को सिर्फ शाकाहारी खाना ही परोसेगा, IRCTC फूड काउंटर से भी नहीं की जाएगी नॉनवेज की बिक्री। दिल्ली में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए स्पेशल CP सागर प्रीत हुड्डा ने कई इलाकों का औचक निरीक्षण करके सुरक्षा हालात की जानकारी ली। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरा फेंकने को लेकर दिल्ली और यूपी सरकार में तकरार बढ़ गई है। गाजियाबाद की तरफ कचरा फेंकने पर मेयर सुनीता दयाल ने MCD के ट्रक को जब्त कर लिया।
राजस्थान के उदयपुर में स्वच्छ भारत मिशन का उड़ा मजाक। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के झाड़ू लगाने के लिए निगम कर्मचारियों ने साफ सुथरी सड़क पर कचरा फैलाया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा बयान, कहा हमसे भगवान विशेश्वर की पूजा का छीना जा रहा है अधिकार। पंजाब के संगरूर में पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस शिक्षकों के बीच हुई धक्का मुक्की। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड से हारकर विश्व कप से बाहर हुई दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान को 4-2 से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत, 4 जुलाई को कुवैत में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा टीम ने किया शानदार प्रदर्शन, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। बैटलफील्ड में रूस के अटैक हेलीकॉप्टर ने कहर मचाया, आगे बढ़ रहे यूक्रेनी काफिले पर KF-52 हेलीकॉप्टर से अटैक किया, हमले में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। ओहलेदार में यूक्रेनी सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से रूसी ठिकानों पर टारगेट किया, हमले में रूस के 3 टैंक्स बर्बाद हो गए। ज़ापोरिज़्या में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है, न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक यूक्रेनी कमांड सेंटर पर रूस ने किया दोतरफा अटैक, कई जवानों के मारे जाने की खबर। बैटलफील्ड से रूसी आर्मी के आक्रामक हमले का वीडियो सामने आया, रूस की किलर स्नाइपर ने यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण हमला किया। डोनेस के व्रेमोवका में रूस की सेना ने यूक्रेनी मोटराइज्ड ब्रिगेड के हमले को नाकाम किया, रशियन पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला किया। डोनेस्क में रूस ने विदेशी हथियारों से लैस यूक्रेनी ट्रूप्स पर होविट्सर टैंक और MLRS से बारूदी बौछार की, 24 घंटे में डोनेस्क में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बर्डियांस्क के एयरफील्ड में रूस को मिली बड़ी कामयाबी, रूसी डिफेंस फोर्स ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में नष्ट किया। बैटलफील्ड से रूह कपाने वाले तस्वीरें सामने आई है, क्रासनो लिमिंस्की में रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर बारूदी बरसात की। कनाडा के अल्बर्टा में टॉर्नेडो का तांडा बवंडर की चपेट में आए, कई घर कई लोगों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से यातायात ठप, चमोली पुलिस ने ट्वीट कर दी जानकारी। असम के बारपेटा में ब्रह्मपुत्र नदी का कटाव तेजी से जारी है, कटाव की वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो रहे हैं। असम में बाढ़ का कहर, रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं लोग, बारिश से भारी नुकसान की खबर। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई समेत 22 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने तेलंगाना में किया ऑरेंज अलर्ट जारी, तेलंगाना में आज दिन भर होगी भारी बारिश। गुजरात के डांग में भारी बारिश, गिरा धोड़ वाटरफॉल हुआ ओवरफ्लो, प्रशासन अलर्ट, बेहद तेज बहाव से बहरा पानी। डांग में वाटरफॉल के ओवरफ्लो होने का नजारा देख रहे हैं पर्यटक, तस्वीरें खींचने में जुटे। जूनागढ़ का वंथाली उजाट डैम बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ, 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जूनागढ़ में भारी बारिश से कलवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। गुजरात के जूनागढ़ में ओजत नदी उफान पर, पूरा इलाका जलमग्न हो गया, 41 गांव में भरा पानी, बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के जूनागढ़ के केशोदा में बाढ़ में फंसे 2 किसानों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किसानों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया है, यात्रियों का टिकट काउंटर तक जाना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश से शहर में पानी भरा, सड़कें लबालब हो गई हैं, लोगों को भारी परेशानी। देश भर के 20 राज्यों में बारिश के आसार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट।